चलिए क्लास को शुरू करते हैं सबसे पहले जो आपको टेलीग्राम दिख रहा है नए स्टूडेंट्स आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि सारे के सारे पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको यहीं पर मिलेंगे ठीक है <coughs> चलो बस मैं शेयर कर दूं है ना जिससे कि जिनको भी रिक्वायरमेंट है वो लोग आ पाए क्लास में चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहली बात आप में से अगर कोई भी तैयारी कर रहा है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए तो आप कोचिंग ले सकते हैं एक्सक्यूज मी एक बहुत ही अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म है सुबह कोचिंग आपको कंप्लीट कोचिंग दिलाता है मतलब अगर आपको चाहिए ना कि एक ही जगह मेरे पास सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएं सारे इंडिया के अच्छे टीचर्स मिल जाएं तो सुबह कोचिंग से बेहतर चॉइस आपके पास हो नहीं सकती है

और अगर आपको टेक्स्ट बुक पास चाहिए है मॉक टेस्ट के लिए तो आप मेरा कोड अनन्या पास यूज कर सकते हो ठीक है अनन्या पास कोड यूज करने से पास प्रो और टेक्स बुक पास दोनों पे ही आपको मिल जाता है डिस्काउंट ठीक है चलिए राधे राधे जय श्री राम शुरू करते हैं क्लास को आओ आज है हमारा टेंस पार्ट टू ये जो चैप्टर है चैप्टर काफी बड़ा है है ना और सारे कॉन्सेप्ट वाली क्लास में नहीं हो पाए थे इसलिए मैं आज दूसरी क्लास करा रही हूँ टेंसेस, प्रशन सब्जेक्ट वगरीमेंट इंग्लिश ग्रामर का बेस है इनके बिना कोई चीज कोई कॉन्सेप्ट आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है आइए तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है टेंसेस का शुरू करेंगे क्लास बी सो लॉन्ग है ना बहुत लंबी क्लास नहीं होगी छोटी सी क्लास है टेंसेस है तो बड़ा चैप्टर लेकिन क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बड़े छोटे छोटे और बड़े आसान आसान से है इसलिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना स्कोरिंग भी है टेंसेस चलिए जरा शुरू तो करिए यहां से सवाल कहता है वी डैश फॉर एन आर नाउ वी डैश फॉर एन आर नाउ कल हमने आपको एक छोटा सा रूल बताया था किसी भी स्टेटमेंट में सिंसियर फॉर अगर होगा किसी भी स्टेटमेंट में अगर सिंसियर फॉर होगा तो वहां पे परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है ठीक है तो वी हैव बीन वेटिंग फॉर एन आर नाउ we have been waiting for an hour now हो जाएगा। option number 2 is the right answer done clear ठीक है चले आगे अगले सवाल पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप। आंसर बताइए जरा फटाफट से लेट्स सी देखते हैं कौन देता है आंसर चलो बताइए द अकॉम्प्लिश आर्टिस्ट डैश सिंस ही डैश अ टीनेजर एंड टूडे हिज कलेक्शन ऑफ ड्रॉइंग्स डैश सिंपली अमेजिंग ये कल वाला है क्या एक सेकेंड एक सेकेंड मी चेक लेट मी चेक पक्का कल वाला है आई यू गाय श्योर कि कल वाला ही है जस्ट अ सेकेंड एक सेकेंड लेट मी चेक एक सेकेंड रुक जाओ शायद मैंने गलती से गलत फाइल ट्रांसफर कर ली है ये भी हो सकता है है ना तो बस एक सेकेंड का वेट कर लीजिए मैं सही फाइल खुद को ट्रांसफर कर लू <coughs> गलती हो सकती है यार अभी पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन ओके okay, एक्चुअली मैंने गलती से गलत फाइल ही ट्रांसफर कर ली है एक सेकेंड रुक जाइएगा आई कैन सी की सही फाइल है मेरे यहाँ पे जस्ट अभी मैं ट्रांसफर करती हूँ और दोबारा से शुरू करते हैं तब तक बाकी लोग इसका आंसर दे दो सारे लोग तो कल होंगे नहीं क्लास में आई थिंक है ना कोई टेंशन नहीं <laughs> कल वाली ही क्लास गलती से दोबारा आ गई क्योंकि टेंसेस ही नाम था गलती से वही मैंने खुद को मेल कर ली दोबारा से एक सेकंड का आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा गाइस जस्ट अ सेकेंड चलिए ये आज वाली फाइल है <coughs> गलती से टेंसस टू की जगह मैंने टेंसस वन ही खुद को ट्रांसफर कर लिया था आ जाओ सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आंसर बताइए द ऑडियंस हैज बीन एंग्री एज द मैजिशियन इज नॉट परफॉर्मिंग एज एक्सपेक्टेड जो जनता थी जो ऑडियंस थी बड़ी गुस्से में थी है ना कोई दिक्कत नहीं है श्यामवीर सिंह कोई दिक्कत नहीं है अब लेट्स होप फॉर द बेस्ट हंस के साथ बीन आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हैज बीन एंग्री ऑडियंस बड़ी गुस्सा हो गई ऑडियंस बड़ी गुस्सा हो गई हैज के बाद work का थर्ड फॉर्म इज रिक्वायर्ड इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को ठीक है नेक्स्ट देखना अब बताइए जरा क्या कहता है क्वेश्चन लेट्स सी कहता है जो मेरे जो मेरिनो इज अ पॉपुलर स्टोर लाइक यू डैश बिफोर एंड इट्स डैश यू द परफेक्ट शॉपिंग प्लेज़र। जो प्लेजनो इज अ पॉपुलर स्टोर लाइक यू हैव लाइक यू हैव नेवर सीन बिफोर जैसा तुमने पहले कभी नहीं देखा है और वो तुमको एक बहुत ही फाउंडर्स ऑफर यू द परफेक्ट शॉपिंग प्लेजर बहुत ही अच्छा शॉपिंग प्लेजर उसके फाउंडर तुम्हें देने वाले हैं ठीक है क्या हो जाएगा यू लाइक यू है थ्री नहीं है गलती से गलत मार्क हो गया है फोर इज द राइट आंसर फोर इज द राइट आंसर जो मेरे नो एक इतना पॉपुलर स्टोर है जैसा तुमने पहले कभी नहीं देखा और इसके फाउंडर्स तुम्हें बहुत क्या करेंगे तुम्हें ऑफर करेंगे क्या परफेक्ट शॉपिंग प्लेजर ठीक <coughs> है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप अब बताइएगा आंसर ये क्वेश्चन भी कल थे क्या यार एक बार मुझे बता दो ये कली वाले क्वेश्चन है क्या चलिए देखते हैं क्या पता कुछ इशू कोई प्रॉब्लम हो आंसर करिए वी डैश द वेकेशन विद फ्रेंड्स लास्ट मंथ अब लास्ट मंथ यहाँ पे लिखा है मतलब पॉइंट ऑफ टाइम लिखा है और अगर पॉइंट ऑफ टाइम कहीं पर भी होता है तो हम क्या वहां पे मेंशन करते, है? करते हैं सिंपल पास्ट टेंस मेंशन करते हैं ठीक है ये हमारा रूल है कि कहीं पर भी पॉइंट ऑफ टाइम अगर पास्ट का रहता है तो वी यूज सिंपल पास्ट टेंस ठीक आओ नेक्स्ट देखो <coughs> ये तो नहीं था आंसर बताओ जरा कहता है द स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस एंड द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज डाव थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन डैश एक्सेप्टेड यूनिवर्सली जिसको यूनिवर्सली स्वीकार किया गया है यूनिवर्सली थ्योरी भले ही जब भी उसने भैया लॉन्च करी हो स्वीकार तो आज के डेट में भी किया गया है ना जिसे स्वीकार किया गया है इट्स अ फैक्ट कि स्वीकार किया गया है सिंपल प्रेजेंटेंस हैज टू बी यूज सिंपल प्रेजेंटेंस यूज होगा इसमें कोई प्रॉब्लम ठीक है नेक्स्ट देखते हैं ही हैज बीन लिविंग इन द विलेज फ्रॉम नाइनटीन नाइनटी फाइव ही हैज बीन लिविंग इन द विलेज फ्रॉम नाइनटीन नाइनटी फाइव टेलमी आंसर। इन दिलेज फ्रॉम नाइनटीन नाइनटी फाइव सिंस नाइनटीन 1995. नाइनटीन 1995, 1995 से विलेज में रह रहा है और पॉइंट ऑफ टाइम होने की वजह से इसके साथ लगेगा सिंस कोई डाउट यहां पर किसी को ठीक यस नेक्स्ट देखो द बोर्ड एग्जामिनेशन है ड्यू टू द फेयर ऑफ कोरोना वायरस बताइए आई कैन सी की क्लास को सबने अब तक लाइक नहीं किया है मार्क योर अटेंडेंस क्लास को लाइक करके आप अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं <coughs> आवाज फिर चली गई मेरी बताओ काफी सारे लोगों ने आंसर यहां पर दिया है लेट्स किसका आंसर सही होता है <coughs> ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये सवाल आपका वॉइस का क्वेश्चन है ठीक है अब वॉइस का क्वेश्चन समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना है कि कौन सी वॉइस में है यहां पर बोर्ड एग्जामिनेशन को कैंसिल किया जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन ऑब्जेक्ट है कैंसिल किया जाएगा मतलब ये ऑब्जेक्ट है और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या लगेगा स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट होने की वजह से वॉइस इसकी क्या है पैसिव है और पैसिव होने की वजह से हैव बीन कैंसल्ड होना चाहिए कुछ लोग हैज़ बता रहे हैं बेटा एग्जामिनेशन के साथ हैव लगाओगे ना बात समझे जी हैव बीन विल बी यूज्ड नेक्स्ट देखो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है प्लीज एक बार ध्यान से देखिए <coughs> कहता है द गवर्नमेंट ऑफ केरला हैज इनग्रेटेड कुछ लोग कह रहे हैं नो no इंप्रूवमेंट ठीक है मैक्सिमम लोगों ने यहां पर बोला है कि नो no इंप्रूवमेंट होना चाहिए ये वही लोग हैं शायद जिन्होंने या तो पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ा है या तो पढ़ाए हुए रूल्स आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं नो <coughs> इम्प्रूवमेंट no वाले लोग कम से कम यार फाइव सेटअप्स तो तुम लोग को करने चाहिए जहां पर भी बैठे हो खड़े हो जाओ कान पकड़ लो और पांच सेटअप्स कर लो सही बता रही हूँ सुधार तभी आएगा अदरवाइज सुधार आएगा नहीं क्योंकि ये एक ऐसा रूल है जो मैंने कल आपको दो तीन बार मुझे लगता है कम से कम पांच छह बार क्लास में बताया फिर से बता रही हूं क्या होना चाहिए जब कहीं पर पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम आता है तो सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है मैंने कितनी बार बताया है कम से कम पांच से दस सेटअप कर लो जीव जीवन सुधर जाएगा इंप्रूव करने लगोगे खुद को क्या हो जाएगा इनग्यूरेटेड सिंपल शुड बी यूज बात समझे सोचो कितना सिंपल क्वेश्चन था फिर भी गलत किया पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन है ठीक है चलो लाइन से मैं देख रही हूं एक दूसरे का या तो टीप रहे हो या तो दिमाग ही नहीं लगा रहे हो सब लाइन से नो इम्प्रूवमेंट नो इम्प्रूवमेंट नो इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं बाकी सब सही है और क्या गवर्नर बिल्कुल सही है चलो नेक्स्ट देखो बताइए This year, our cricket team has been winning, winning, wins, was winning, will win all the the matches played on the Indian soil. इस साल सारे मैचेस जीत रही है क्रिकेट टीम इस साल सारे मैचेस जीत रही है ना Was विनिंग नहीं क्योंकि दिस year बात करी गई है Wins नहीं होगा क्योंकि कोई फैक्ट नहीं है विनिंग कर सकते हैं इस बार सारे मैच जीत रही है है ना इस बार सारे मैच जीत रही है कौन हमारी क्रिकेट टीम ठीक बिल्कुल सही है नेक्स्ट देखेंगे बताइए द परसेंटेज ऑफ इंप्लाइज हु कॉल इन सिक And the number of employees who left their jobs within two years were reflective of the level of job satisfaction. बताइए। इस साल सारे मैच जीतेगी। कैसे कह सकते हो? ये statement आपको contradictory नहीं लग रहा? ग्रामेटिकली तो सही था अफसाना लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट्री स्टेटमेंट है अगर आप लॉजिक देखे तो इस साल इंडिया सब मैच जीतेगी कोई मानेगा मेरी बात अगर मैं कह दूं तो इस साल इंडिया सारे मैच जीतेगी कोई नहीं मानेगा हमको इंग्लिश दोनों तरीके से कॉमन सेंस भी लगाना होता है लॉजिक भी लगाना होता है और ग्रामर भी देखनी होती है ठीक है चलो <coughs> क्या कहता है वर रिफ्लेक्टिव ऑन द लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन क्या होना चाहिए द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय कॉल इन से नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नंबर तो अभी है ना आर रिफ्लेक्टिव होगा वर्क नहीं आर रिफ्लेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ जॉब सेटिसक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ जॉब सेटिस ऑप्शन नंबर वन शुड बी द राइट आंसर रिफ्लेक्टिव ऑफ समथिंग होता है ये तो फिक्स प्रपोजिशन है ठीक है परसेंटेज़ ऑफ इंप्लाइज एम्प्लॉइज के लिए लग रहा है ना जो कि सिख थे और नंबर ऑफ जो जॉब छोड़ दिए थे दो साल में उनका नंबर ये है. था नहीं, है. बात समझे थोड़ा भी ट्रिकी होता है तुम लोग एकदम से रिफ्लेक्टिव ऑफ है, of लगता है। बात समझे? हमें लग रहा था कल तुम लोग को देखे कि टेंसेस चलो अच्छा हो गया है नॉलेज हो गई है फिर भी यहाँ पर देखिए कितने लोग हैं सोच रहे है, कितनी बार तो पढ़ चुके हैं टेंसेस हलवा है टेंसेस लो मिल गया हलवा है ना क्वेश्चन में ये नहीं कहूंगी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है कोई भी क्वेश्चन अब तक मैंने डिफिकल्ट कराया ही नहीं है बताइए नेक्स्ट बताओ वन ऑफ द स्टूडेंट ऑलवेज लेट टू द क्लास ठीक है ही हैज बीन वॉन्ट बाय द टीचर हैज बीन के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म क्योंकि पैसिव का स्ट्रक्चर है यहां पर ही क्या है ऑब्जेक्ट है तो स्ट्रक्चर इस क्लॉज का पैसिव है पैसिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉन्ड उसको वॉर्न किया गया है टीचर द्वारा है ना वार्निंग दी गई है टीचर द्वारा ठीक है चलिए नेक्स्ट बताएंगे वेन आई रीच द ऑफिस द बॉस इज ऑलरेडी गॉन बताओ जब मैं ऑफिस पहुंचा तो बॉस जा चुका था जब मैं ऑफिस पहुंचा तो बॉस जा चुका था बताइए जल्दी जल्दी से सब लोग Okay. चलो वेन आई रीच द ऑफिस अब बंदा ऑफिस पहुंच रहा है पास्ट में और उसके पहले ही जो बॉस जा चुका है बॉस हैड ऑलरेडी गॉन क्यों रूल समझ लीजिएगा दो पास्ट इवेंट्स जब दो पास्ट इवेंट्स हो रहे होते हैं एक इवेंट पहले होता है एक इवेंट बाद में होता है एक इवेंट पहले हुआ एक इवेंट बाद में हुआ जो इवेंट पहले हो जाएगा वो यूज होगा पास्ट परफेक्ट में ठीक जो इवेंट बाद में होगा वो होगा सिंपल पास्ट में सिंपल पास्ट में तो अब यहां पर जो पहले हो चुका है बॉस पहले ही जा चुका है बॉस पहले ही जा चुका है तो ये वाला हिस्सा पास्ट परफेक्ट में आना चाहिए ऑप्शन नंबर थ्री बताओ डन Next stage here. Bataye, bataye, sablo. The accomplished artist dash since he dash a teenager and today his collection of drawings dash simply amazing. the accomplished artist has been drawing since answer to isi se nikal since he was a teenager and today his collection of drawings is simply amazing option number 2 take chale aage next question he ignored his injured friend though he could help him though he could help him इग्नोर्ड हिज इंजर्ड फ्रेंड आपने इंजोर्ड फ्रेंड को इग्नोर किया हालांकि वो मदद कर सकता था मदद कर सकता था कुड है हालांकि वो मदद कर सकता था कुड है कोई डाउट किसी को हालांकि वो मदद कर सकता था कुड है नेक्स्ट देखिए Once this room is finished, we dash six of the seven rooms in the house. Not bad for two days' work. Matayin. Tell me the right answer. Come on. Once this room is finished, we dash six of the the seven rooms in the house. Not bad for two days' work. We will have, yes, yes. वर्क वी विल room खत्म हो जाए है ना हम अगर ये रूम जैसे ही खत्म होगा तो हम छे सात में से छूम कर चुके होंगे ये रूम खत्म होने के बाद हम सात में से छूम पेंट कर चुके होंगे फ्यूचर में कोई चीज खत्म हो चुकी है मतलब फ्यूचर परफेक्टेंस फ्यूचर कहां पर है will have painted option number one. Future में कोई event का कंप्लीशन दिखाओगे तो फ्यूचर राइट ठीक चलो रणबीर कुड नॉट वेंट टू द अवार्ड सेरेमनी एज ही वॉज बिजी शूटिंग फॉर अ फिल्म इन द मालीव बताइए क्लास को लाइक like करने के लिए बोलेंगे नहीं तो करोगे नहीं क्या अटेंडेंस मार्क कर दिया करो बाय हिटिंग द लाइक बटन ठीक है बताइए फिर आंसर रणबीर कुड नॉट वेंट टू द अवार्ड सेरेमनी रणबीर कुड नॉट वेंट टू द अवार्ड सेरेमनी एज ही वॉज बिजी शूटिंग फॉर अ फिल्म इन द मालदीव्स कुड प्लस वी वन किसी भी मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सो रणबीर कुड नॉट गो रणबीर कुड नॉट गो टू अवार्ड सेरेमनी एज ही वॉज बिजी शूटिंग फॉर अ फिल्म इन द मालदीव्स, ठीक है चले आगे लेट्स गो द मैन हु वॉज कमिटेड द थेफ्ट लास्ट नाइट वॉज कॉट दिस इवनिंग, बताइए िल पेंट नहीं हो सकता था भाई क्वेश्चन का मतलब तो समझो विल तो फ्यूचर दिखाएगा वहां पर विल वहां पर फ्यूचर कंप्लीशन दिखा रहा था बताओ द मैन हु वॉज कमिटेड द थेफ्ट वो आदमी जिसने चोरी जिसने थेफ्ट की थी वो आदमी जिसने थेफ्ट करी थी थेफ्ट, थेफ्ट करी थी इस स्टेटमेंट का वॉइस क्या है बताओ भाई स्टेटमेंट का वॉइस है एक्टिव है ना स्टेटमेंट का वॉइस इज एक्टिव और वॉइस अगर एक्टिव है तो वॉज नहीं लगेगा द मैन हु कमिटेड द थेफ्ट द मैन हु कमिटेड द थेफ्ट बात समझे ठीक है चलो नेक्स्ट वन बेटा फिर से पढ़िए जाकर वो वाला क्वेश्चन उस वाले छे में से सात कमरे पेंट हो जाएंगे ये सेंस था छ में से सात कमरे पेंट करेंगे ये थोड़ी ना सेंस था स्टेटमेंट का छे में से सात कमरे पेंट हो जाएंगे इस पेंट इस कमरे को पेंट करने के बाद चलो इट वॉज क्लाउडी इन द मॉर्निंग बट द सन इज शाइनिंग नाउ मेरी क्लासेस में नोटबुक पेन लेकर बैठ जाओ आपकी रूल्स वाले नोट्स खुद ही बन जाएंगे ठीक है बताइए लेट्स चलो क्या हो जाएगा आंसर इट वॉस क्लाउडी इन द मॉर्निंग बट द सन इज शाइनिंग नाउ सही तो है अब ये तो सही है सुबह क्लाउडी था लेकिन अब सूरज चमक रहा है सुबह क्लाउडी था लेकिन अब सूरज चमक रहा है नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड ठीक है हा मानिक अ पुअर मर्चेंट डैश टू मेक मनी सो ही ब्रेवली डैश इन टू व डेंस फॉरेस्ट टू कलेक्ट वोर्ड बताइए सब लोग मानिक है गरीब लेकिन वो उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि पैसे कमाएगा तो वो इसलिए डेंस फॉरेस्ट में वो इकट्ठा करने चला गया है ना वॉज डिटर्मेंड मानिक अं पुअर मर्चेंट वॉज डिटर्मेंड टू तो मेक तो मनी सो ही ब्रेवली वेंचर इन टू अस फॉरेस्ट टू तो कलेक्ट वुड ठीक है पूरा एक नरेट करा गया है किस्सा किस्से को नरेट किया जाता है तो वो सिंपल पास में यूज किया जाता है नेक्स्ट देखिए बताइए यूवी सैनिटेशन पैराटि कैन सैनिटाइज द इंटायर सिनेमा हॉल इन जस्ट हाफ एन आवर बताओ भाई बताइए यूवी सैनिटेशन अपरेटस कैन सैनिटाइज द एंटायर सिनेमा हॉल इन जस्ट हाफ एन आवर कैन सैनिटाइज्ड कैन के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म इज रिक्वायर्ड तो कैन सैनिटाइज हो जाएगा कैन सैनिटाइज ठीक है सही है नेक्स्ट देखिए बताओ तुम उससे छह बजे मिल सकते हो वो तब तक घूमकर वापस आ जाएगी वो तब तक घूमकर वापस आ जाएगी क्या होना चाहिए आंसर देखा चलिए वुड हैव बोला बड़े सारे लोगों ने बिल्कुल सही है शी वुड हैव रिटर्न फ्रॉम द मार्केट बाय देम तुम उससे छह बजे तक के बाद मिल सकते हो छह बजे मिल सकते हो वो तब तक तो मार्केट से वापस आ जाएगी शी वुड रिटर्न शी वुड शी वुड हैव रिटर्न वैसे नहीं होगा शी वुड रिटर्न होगा शी वुड रिटर्न होगा एक्सकर्शन का मतलब होता है एक शॉर्ट जर्नी यू कैन से कहीं पर अगर आप घूमने गए हैं छोटी सी जर्नी दैट्स एन एक्सकर्शन शी वुड रिटर्न वुड रिटर्न का मतलब क्या है एकदम आप श्योर नहीं हो कि वो लौट ही आएगी बट आप कह रहे हो कि हां वो लौट आ जाएगी मतलब आप श्योर एकदम नहीं है बट यू आर लाइक वो लौट आएगी इस केस में आप वुड यूज कर सकते हैं वुड हैव रिटर्न तो होगा कि वो लौट आ सकती है सकती थी ये वाली चीज हो जाएगी कंडीशनल वाला चीज हो जाएगा इसलिए हम यहां पर टू नहीं लगाएंगे ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर ठीक है नहीं 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 यू कैन मीट हर शी वुड हैव रिटर्न पैसिव कहां इसमें सेंस निकल रहा है भाई ठीक है नहीं ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर मार्क यहां पर गलत है ठीक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप फिर से पढ़ लीजिए अगर आपको डाउट है तो अभी भी डाउट है तो आई कैन क्लियर इट अगेन, कहता है मतलब कोई चीज पास्ट में हो सकती थी लेकिन नहीं हुई इसके लिए हम यूज करते हैं वुड है हाँ बात समझे अब बताओ

The news of his accident was not declared so far. Mataiye. Has not. जब किसी स्टेटमेंट में टाइम फ्रेज आता है कोई जैसे कि सिंस है फॉर है सो so फार है तो वहां पे अक्सर परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसी लगती है ठीक है कह रहा है अभी तक न्यूज अनाउंस नहीं हुई है ठीक है? न्यूज ऑफ दिस एक्सीडेंट हैजेंट बीन डिक्लेयर्ड अभी तक अनाउंस नहीं हुई है सो so फार कैसे पता चला हमको ये सोफार so ने हमें आइडिया दिया कि इसमें परफेक्ट लगना चाहिए ठीक है नेक्स्ट बताइए दे कैन हैव टेकन अ टैक्सी होम इंस्टेड ऑफ वॉकिंग बताइए दे कैन हैव टेकन अ टैक्सी होम इंस्टेड ऑफ वॉकिंग टेल मी चलो क्या कहता है स्टेटमेंट दे कैन हैव हैव टेकन टेकन दे कुड अ टैक्सी पास्ट में कोई काम कर सकते थे लेकिन नहीं किया कुड हैव ठीक है सो दे कुड कुड हैव हैव टेकन टेकन दे अ टैक्सी होम इंस्टेड ऑफ वॉकिंग ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं कॉल द फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स द हॉर्न बिल फेस्टिवल डैश फ्रॉम टू एवरी ईयर बताइए ये चीज हर साल हो रही है एवरी ईयर लिखा हुआ है जो चीज हर साल होगी उसके लिए उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हर साल हो रहा है रिपीटेड एक्शन है सिंपल प्रेजेंट टेंस विल बी यूज इज हेल्ड नेक्स्ट हैरी एंड मिगान बताओ। अरे फेस्टिवल वहां पर सब्जेक्ट थोड़ी ना है होल्ड कहाँ से बोल रहे हो भाई क्या दिमाग तुम लोग लगा रहे हो आज हाँ क्या दिमाग लगा रहे हो फेस्टिवल वहां पे कुछ नहीं कर रहा है फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है इज हेल्ड पैसिव स्ट्रक्चर होगा क्या करते हो भाई अगले सवाल में नो no इम्प्रूवमेंट बताया जा रहा है हैरी एंड मेघान हैव डिसाइडेड टू वर्क सही है हैव डिसाइडेड टू वर्क इज एब्सोल्युटली फाइन नो इम्प्रूवमेंट ठीक एंड बिकम बिकम क्यों क्योंकि थर्ड फॉर्म बिकम का बिकम ही होता है बिकेम नहीं होता है राइट right. चलिए द चाइल्ड डैश फॉर द लास्ट वन आवर पिछले एक घंटे से बच्चा रो रहा है बताएं और क्लास को जिसने लाइक नहीं किया है आप लोग क्लास को लाइक कर सकते हो यार मुझे नहीं पता चलेगा अदरवाइज कि भाई आप लोग को समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूं तो लाइक करते हुए चलिए Has been, पक्का बच्चा पिछले एक घंटे से सो रहा है पिछले एक घंटे से सो रहा है फॉर लगा है परफेक्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होनी चाहिए सिर्फ इसी में है ऑप्शन नंबर थ्री ठीक है लास्ट वन आर नेक्स्ट वन बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर सानिया विल कंप्लीट हर डिजाइनिंग कोर्स बताओ अगले साल इस समय तक सानिया अपना डिजाइनिंग कोर्स कंप्लीट कर चुकी होगी अगले साल इस समय तक सानिया अपना डिजाइनिंग कोर्स कंप्लीट कर चुकी होगी बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर सानिया विल कंप्लीट फ्यूचर में कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है इसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं वी यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस Future perfect tense. So Sanya will have completed. Sanya will have completed her designing course. Will have completed her designing course. Take. in India many customs have come down since time immemorial. बताइए. Let's see. देखिए भाई से बताइए फटाफट से चलिए अब देखना इस चीज को ध्यान से इन इंडिया मेनी कस्टम्स हैव कम डाउन सिंस टाइम टाइम्स इमेमोरियल टाइम इमेमोरियल बिल्कुल सही है क्या मैंने सही बोल ही दिया था मुझे ऐसा लग रहा है मेरे मुंह से ही सही निकल गया था इट शुड बी टाइम इमेमोरियल द फ्रेज टाइम इमेमोरियल का मतलब क्या होता है वो समय मतलब इतना पुराना समय जो लोगों को पता भी ना हो <laughs> इट्स नॉट टाइम्स इन मेमोरियल इट्स टाइम इन मेमोरियल नहीं निकला था थैंक गॉड ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय द टाइम शी सर्व द डिजर्ट एवरीबडी बताइए फॉर क्यों आना चाहिए था सारा मुझे रीजन भी तो बताओ फॉर क्यों आना चाहिए था डी मत दीजिए मुझे सिर्फ आप करेक्शन बताइए स्टेटमेंट का करेक्शन क्या होना चाहिए जब तक उसने डेजर्ट सर्व किया तब तक सब सो चुके थे सब सो चुके थे दो एक्शन पास्ट में पहला वाला जो पहले हुआ पास्ट परफेक्ट में जो दूसरा बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट में पहले हुआ लोग सो गए ऑलरेडी बीन स्लिप्ट सो चुके थे पास्ट टेंस ऑलरेडी बीन स्लिप्ट वैसे बीन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्टिव है ना ऑलरेडी स्लेप्ट होगा बीन नहीं लगाओ हेथ स्लिप्टीन लगाओगे तो पैसल में चला जाएगा मतलब उनको किसी ने सुला दिया सुला नहीं दिया वो खुद सो गए ठीक लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन समटाइम बैक देर वॉर सो मच रेन दैट द रिवर डैश ओवर द ब्रिज यार पहला लेक्चर है तो कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट क्यों करते हो एक चीज पूछ ली बस करिए ठीक है क्लास के एंड में ऐसी चीजें पूछ लिया करो आपको क्या लगता है अब मैं क्लास बीच में रोक कर आपको टेक्सट बुक एप्लीकेशन के बारे में बताने लग जाऊंगी ऑब्वियसली नहीं तो थोड़ा सा रुक जाओ एक एक स्टूडेंट की अगर मैं बात एक एक स्टूडेंट का चार लोग यहाँ पे दिख रहे हैं चार बच्चों की ही मैं यहाँ पर प्रॉब्लम सोल्व करने लग जाऊँ तो क्लास तो हो ना पाए ये तो चिटचाट शो में नाम रख लूंगी क्लास का

Right? Shall you glass of every boy and every girl dash given a gift? Yes. Every boy and every girl dash given a gift. Tell me. चलो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल डैश गिव अ गिफ्ट एवरी के साथ सिंगलो वर्ब लगती है हमेशा सिंग्लो वर्ब ठीक है सिंग्लो वर्ब कहां पर है सिर्फ यही तो है बाकी सब प्लूरल है ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर ठीक है चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप आई एम श्योर वी डैश हर देर एम श्योर वी डैश हर देर आंसर बताइए बताओ I'm श्योर sure we dash हर there। मैं श्योर sure हूं हम उसे वहां ढूंढ लेंगे मैं श्योर sure हूं कि हम उसे वहां ढूंढ लेंगे वी विल फाइंड वी विल फाइंड हर there. I'm sure we will find her there. No problem. Take. Next. The monkey swinged on the branches and jumped over the compound wall. Swinged over the branches and jumped over the compound wall. Tell me. Tell me the answer everybody. देखा सबने चलिए ध्यान दीजिएगा द मंकी स्विंग ऑन द ब्रांचेस एंड जम्प ओवर द एक सेकेंड स्विंग ऑन द ब्रांचेस एंड जम ओवर द कंपाउंड वॉल कोई गलती है इसमें स्विंग जैसा कोई वर्ड तो होता नहीं है जहां तक है ना तो स्विंग का मतलब झूलना और इसका पास्ट टेंस होता है जहां तक सेकेंड फॉर्म होता है स्वांग स्विंग जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता यार ऑप्शन नंबर वन स्वंग नहीं स्वंग होता एस डब्ल्यू यू एन जी ठीक है आओ नेक्स्ट देखिए डिड यू नो वेदर और नॉट वी कैन एक्सचेंज द ड्रेस इफ माई सिस्टर डजेंट लाइक इट बताइए टेल मी डिड यू नो वेदर ऑर नॉट वी कैन एक्सचेंज द ड्रेस इफ माई सिस्टर डजेंट लाइक इट डू यू नो क्या तुम्हें पता है अगर मेरी बहन को ड्रेस पसंद नहीं आई तो हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं क्या तुम्हें पता है डू यू नो क्या होगा डू यू नो डू यू नो ठीक चलो नेक्स्ट ही इज द सेम हाइट As I am, but since he he was thin, he appears taller. क्या बात कह दी आंसर बताइए जरा मेरे ही जितना लंबा है लेकिन क्योंकि पतला है तो मुझसे ज्यादा लंबा लगता है क्या होना चाहिए मेरे ही जितना लंबा है लेकिन क्योंकि पतला है तो ज्यादा लंबा लगता है

अब ऑप्शन भी शफल करके रखता है तो इस चीज को भी थोड़ा माइंड कर लीजिएगा ठीक है द शॉप डैश इन हाफ एन आवर सो हरी अप नहीं ओके okay. वाला रूल मैंने कल आपको बताया था सी अब इन हाफ एन आवर मतलब एक घंटे में बंद हो जाएगी बंद होनी तय है बंद हो जाएगी एक घंटे में या तो सिंपल फ्यूचर लगाओ या तो प्रेजेंट सिंपल भी लगा सकते हो प्रेजेंट सिंपल भी इसके काम आता है पास नियर फ्यूचर में जब कोई चीज स्केड्यूल्ड है कि होनी होनी है तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस भी लगा सकते हैं क्लोजेस बोलते ना द इवेंट बिगेन्स इन फाइव मिनट्स नियर फ्यूचर ठीक यस yes. चलो नेक्स्ट देखो ही डैश टू कोलकाता यस्टरडे ही डैश टू कोलकाता यस्टरडे बेटा वहां पर आई एम लिखा था पिछला क्वेश्चन फिर से पढ़कर देखिए ही हैज द सेम हाइट अगर होगा तो लास्ट में आई एम गलत नहीं हो जाएगा

सारे बताओ जल्दी से ड्रिव कह रहे हैं बड़े सारे लोग द पेंटर ड्रिव अच्छा यहाँ पर वॉच ने लिखा है ना क्राउड देख रही थी पेंटर ड्रॉ कर रहा था बेसिकली पेंटर को ड्रॉ करते हुए क्राउड देख रही थी पूरा स्टेटमेंट में पैरलिजम होना चाहिए क्योंकि जब पेंटर ड्रॉ कर रहा है उसी समय क्राउड देख रही है यहां पर पास्ट है यहां पर भी पास्ट होना चाहिए ड्रॉ का पास ड्रिव होता है वॉज नहीं लगेगा ड्रीव लगेगा वॉज ड्रॉइंग नहीं ड्रिव अ कार्टून एज द क्राउड वॉचेस ठीक है येस यस यस ठीक वॉचड आई मीन नॉट वॉचेस द कॉन्फ्रेंस विल बीन अ सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन्स अचीवमेंट्स बताइए

he has been spending a lifetime imbibing his local club's history. बताइए उसने एक बहुत लंबा वक्त गुजारा है है ना इस क्लब की लोकल हिस्ट्री मतलब इस क्लब की लोकल हिस्ट्री को उसने क्या किया है अब्जॉर्ब एम्बाइब का मतलब होता है टू लर्न समथिंग वेरी डीपली और टू अब्सॉर्ब समथिंग

आई इमीजिएटली बिग्न टू थिंक अबाउट हाउ आई माइट डैश हिम बताइए टेल मी क्या लगा आंसर वेन एन ओल्ड कॉलेज फ्रेंड डैश मी ही डैश अ कोर्स इन वुड बी टीचिंग टोल्ड मी ओल्ड कॉलेज फ्रेंड टोल्ड मी ये तो सही है टोल्ड और टेल्स हटाएंगे यहां से टोल्ड मी ही आम नहीं ही वुड बी होगा ऑप्शन नंबर थ्री एलिमिनेशन से बहुत ईजिली हो गया ये ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जरा When I was 10 I dash music lessons every day. <coughs> बताओ. When I was 10 past habit को बताने के लिए हम phrase को use करते हैं. That phrase is used to. मैं ऐसा किया करता था. Used to phrase यूज होता है. आई टू हैव म्यूजिक एवरी डे जब मैं दस साल का था हर दिन मेरे म्यूजिक लेसन होते थे ठीक है मार्टिन लूथर ट्रांसलेटेड द बाइबल इन टू जर्मन इसमें कुछ एरर है क्या बताइए जरा मार्टिन लूथर ने बाइबल को जर्मन में ट्रांसलेट किया सही है अभी थोड़ा ना किया है कहीं पास्ट में किया होगा ठीक है बिल्कुल सही है नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड ऑप्शन नंबर फोर इजी डन नेक्स्ट देखो द टाउन डैश इट्स नेम फ्रॉम द फेमस टेंपल एंड डैश टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेटलमेंट इन इंडिया बताइए Next, the town dash its name from the famous temple and dash to be one of the oldest. Agar has taken Agar Yahabar. सेड लगा होता तो मैं इसको आंसर मार्क करती बट क्योंकि यहां पर इस नहीं लगा है तो ये पास्ट में जा रहा है और यहां पर लॉ पैरिजम रूल वॉयलेट हो रहा है इसलिए हम इसको नहीं चूज कर सकते ठीक एंड is टू बी is टू बी यहाँ पर तो इनकम्प्लीट है टेक्स कह सकते हो आप ये देखो पूरा प्रेजेंट में है यहां पे भी वही पास्ट वाला सिचुएशन आ रहा है तो ये भी गलत है ऑप्शन नंबर थ्री बाकी सब में पैरलिज्म के लिए ही रखा गया है यहां पर कि आप नोटिस नहीं करेंगे पैरलिज्म और वन को मार्क कर देंगे इवन मैं भी वन को ही मार्क करने जा रही थी हैस टेकन देखकर बट देन आई रियलाइज कि वहां पर तो सेट लिखा है जो कि इसको पास्ट में बना देगा सेकेंड क्लास को बात समझे नेक्स्ट जेन डैश जस्ट अ फ्यू मिनट अगो अभी कुछ देर पहले ही जेन गया है जेन जा चुका है कंप्लीशन हो गया है एक्शन का कंप्लीट हो गया है एक्शन सो हैज बीन लेफ्ट एक सेकेंड हैज बीन लेफ्ट हैज बीन लेफ्ट नहीं होगा हैड लीव लीव लेफ आप ये बताइए लेफ्ट होना चाहिए कुछ देर पहले मतलब वो जा चुका है लेफ्ट जस्ट अ फ्यू मिनट्स अगो बीन लगाओगे तो पैसिव में हो जाएगा पैसिव तो है नहीं एक्टिव ही है लेफ्ट होगा बिल्कुल लेफ्ट होगा लेफ्ट होता तो ज्यादा सूटेबल वैसे यहां पर होता ठीक है अभी कुछ देर पहले ही गया है है ना तो क्या हो जाएगा जेन लेफ्ट जस्ट अ फ्यू मिनट्स अगो ठीक यस एब्सोल्युटली राइट नेक्स्ट देखेंगे

नौ बजे होती है जीके जी एस क्लास दिव्या मैम की दस बजे होती है मेरी इंग्लिश क्लास मतलब अब हम मिलेंगे आपसे रात में दस और पी एम, है ना और कोई भी बैच लेना है तो मेरा कोड आप कौन सा यूज कर सकते हैं अनन्या कैपिटल लेटर में ए एन ए एन वाई ए टेक्स्ट बुक पास लेना है तो यू कैन यूज अनन्या पास ठीक कैसे कोर्स ले सकते हो सिंपली मेरा मेरा जो सेशन चल रहा है इसी को खोल लीजिए मेरे ही सेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल लो ठीक है नीचे जाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कोड मिल जाएगा सुपर कोचिंग का ठीक है क्लिक किया सुपर कोचिंग पे क्लिक किया ये सीजीएल के साथ साथ सभी एस एस सुपर कोचिंग्स के लिए है अप्लाई कूपन पे क्लिक किया ठीक है यहाँ पे कोड क्या टाइप किया आपने कैपिटल लेटर में ए एन ए एन वाई ए अनन्या अप्लाई कर दो जैसे ही अप्लाई किया यहाँ पे छह महीने का कोर्स आपका सिक्स फोर्टी नाइन दिखा रहा है ठीक है आप इसको परचेज कर सकते हैं इस तरीके से लेकिन यहाँ पे चेंज प्लान कर लेना क्योंकि यहाँ पे रेट बढ़ा हुआ आ रहा है अगर रेट बढ़ा हुआ आएगा तो चेंज प्लान करके दोबारा से कोड अप्लाई कर लीजिएगा यहाँ पे है ना कैप्स लॉक में ए एन ए एन वाई ए ट्रिपल नाइन कोड आपको दिखाएगा रेट अगर कोर्स अप्लाई मतलब कोड अप्लाई नहीं हुआ अप्लाई होने के बाद सिक्स फोर्टी नाइन ठीक है परचेज कर लीजिए इसमें आपको मेरा कोड लगाने पे डिस्काउंट के साथ-साथ आपको मॉक्स फ्री में मिल जाएंगे और नोट्स वगैरह भी मिलेंगे सभी एसएससी एग्जाम्स के ठीक है सो टेक केयर पीपल हैव अ ग्रेट डे गॉड ब्लेस यू एंड गुड लक टू ऑल द पीपल जिनका एग्जाम्स है बाय-बाय गाइस थैंक यू